वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, अज तुहानू असीं दर्शन करावांगे उस पवित्र अस्थान दे जिथे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती दे। उस धरती ते असीं खलोते हुए जिथे दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सब तो पहला धर्म युद्ध लड़िया सी। राजा भीम चंद दी उकसाहट तो बाद फतेह शाह श्रीनगर गढ़वाल की अगवाई दे हित हेठ 22 धारा के राजा दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहला युद्ध लड़िया। मेरे तुसी सज्जे हाथ वेख रहे हो जिहड़ा पेड़ तुहानूं दरख्त नज़र आ रहा है, वह दरख्त है जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो युद्ध लड़िया तो युद्ध के घोड़े नूं इस दरख्त दे नाल बन्निया। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी युद्ध लड़ रहे सी, इस युद्ध दे विच बीबी बीरो जी जिन्हां दे पंज पुत्तर मामा कृपाल दास जी, पीर बुद्धू शाह दे चार पुत्तर अते पीर बुद्धू शाह दे दो भरा अते 700 मुरीद इस युद्ध विच शामिल होए। इस युद्ध विच जदों जीत मल दी शहादत हो गई तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इस युद्ध च अपने आप नूं उतारन तो रह ना पाए और इस युद्ध दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उतर आए। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच पातशाह इस मैदान दे विच युद्ध दे उतरे ते श्री चंद ने जदों 3 वार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे उत्ते कीते और एक तीजा वार जदों कीता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल कमर कस्से तो नालों लग के चला गया। उसी वक्त गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वीर रस विच आ गए। वीर रस विच आ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उचारिया, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाके। संगत जी, अज मैनू इत्थे आ के वीडियो बनाउण दा मकसद तुहाडे नाल जरूर शेयर करांगा। मैं अपने वीर नूं कहांगा नाल नाल चलेगा और असीं दिखाना चाहवांगे तुहानूं इस पावन पवित्र धरती दे दर्शन कराना चाहुंदे आ जे तुहानूं अपनी यूट्यूब दे राहीं, फेसबुक दे राहीं, तां कि संगतां घर बैठियां इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर सकन। मैं नाल नाल इस करके चल रहा क्योंकि असीं तुहानूं बिल्डिंग दी उसारी दे सारी दिखावांगे कि इन्ना महान स्थान जिथे दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सब तो पहला युद्ध लड़िया और एक सिख कौम वास्ते बड़ी फखर की गल है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सब तो पहला धर्म युद्ध इत्थे जित हासिल की। मैं तुहानूं दिखाना चाहवांगा बिल्डिंग का, तुसी हालात देख सकते हो कई, क्योंकि मैनूं कई वीरां ने वेख्या और मैनूं दस्या कि भाई असी यह नोट किया कि उन्होंने पता ही नहीं है कि भंगाणी साहब की धरती है कितने, भंगाणी साहब गुरुद्वारा है कितने। मैं दिखाना चाहवागा कि बिल्डिंग की हालात तुसी वेख रहे हो, असल च साड़ी सिख कौम साढ़े वो वीर इतने आना बड़ा जरूरी बनता है और इस इतिहास में जुड़ना बड़ा जरूरी बनता है कि जिस स्थान के उत्ते असी बैठे हैं दूर दूर तक दिखाना चाहवागा पहाड़ा के बिल्कुल विचकार, दूर दूर तुम सारे पहाड़ नजर आएंगे और पहाड़ा के विचकार चारों तरफ गुरुद्वारा भंगाणी साहब। दिखाना चाहवांगे तुहानू कि तुसी वेख सकते हो कि गुरुद्वारा भंगाणी साहब की धरती किस तरह बिल्कुल शांत, जिस इत्थे आ के तुहानू इन्नी शांति मिलती है कि मैं तुहानू दस नहीं सकदा। असीं इत्थे पहुँचे तो इत्थे एक दिल्ली तो संगतां होर भी आईयां हैं जिहड़ियां संगतां कि इत्थे एक 3 दिन का कैंप लगा के बैठिया सी। मैं तुहानू दिखाना चाहवांगा कि जिथे दसम पातशाह ने युद्ध लड़िया वो धरती दे विच मैं चाहवांगा कि जिथे जिथे साडी वीडियो जाए और संगतां जरूर इत्थे इकट्ठ लै के पहुँचन और इस पावन पवित्र धरती दे दर्शन जरूर करन। तुसी वेख सकते हो और किन्ना वधिया इत्थे नज़ारा इस वक्त जिथे संगतां ठाठा मारदियां, संगतां इकट्ठियां होईयां पईयां, बसां आईयां होईयां। संगत जी, एक गल जरूर दसना चाहवांगा इहदे विच कि तुहानूं कि जिहड़ी है गुरुद्वारा भंगाणी साहब, संगतां नूं पौंटा साहब का काफ़ी इतिहास पता और पौंटा साहब की धरती ते काफ़ी संगत आती भी है, लेकिन वह पौंटा साहब तो ही दर्शन करके वापसी चली जाती है। भंगाणी साहब का युद्ध उदों ही होया सी जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पौंटा साहब दे विच आ के रहे सी। असल विच पौंटा साहब क्यों नाम पिया, जिहड़ा पौंटा शहर है वह वसान वाले ही दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, सिख कौम एक ऐसी कौम जिन्हां नाल
हर धर्म के बंद वैर विरोध किया, हर धर्म के बंद ने प्यार भी किया। हर पक्ष के बंदे होंगे ने। पौंटा साहब की धरती हो, जो पौंटा साहब असं आने, पौंटा साहब तो 18 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा पंगाणी साहब पैंदा है। जो तुम पौंटा साहब तो पंगाणी साहब वाल चलोगे तो तुहानू सब तो पहले दर्शन होंगे शेर घाट, जिथे एक शेर पिंड वालियां नू तंग करदा सी, खूंखार शेर से, उस शेर का उद्धार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने किया जिसका नाम शेर घाट है। उस तो बाद तीरगढ़ी साहब गुरुद्वारा आता है। तीरगढ़ी साहब तो बाद तकरीबन 1 किलोमीटर से पंगाणी साहब की धरती से तुहानू आन का मौका मिलेगा। मैं संगत को बेनती करांगा, जिहड़ियां संगतां हेमकुंड साहब जांदियां उह ते सारे रूट ते होके आंदियां, लेकिन कई संगतां इस तरह दियां ने जिहड़ियां सिर्फ पौंटा साहब तक आंदियां लेकिन इस पवित्र धरती पंगाणी साहब तक नहीं पहुँच पाउंदियां। इत्थे दे हालात वेख के, इत्थे दे मैनेजमेंट वेख के बड़ा मेरे मन नूं इह देख के होया कि जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहला धर्म युद्ध लड़िया और उसे धरती तो संगतां वांझियां क्यों ने। मैं संगत को बेनती करना चाहूँगा इस वीडियो राही हर वीर तक यह वीडियो पहुँचे, वध तो वध संगत इत्थे दर्शनां लई आया करन, अपने बच्चों नाल लिया के आया करन, अपने परिवार समेत गुरुद्वारा पंगाणी साहब जरूर आन ताकि बच्चों इतिहास पता लगे। मेरे नाल 15 सिंह होर आए हैं जिहड़े साडी सोसाइटी दे नाल जुड़े हुए हैं, साडी टीम के बंदे। मैनूं बड़ी हैरानगी होई कि साडी टीम के भी कई बंदियां नूं इस दशम पातशाह की धरती पंगाणी साहब के दर्शन कई ने नहीं किए, जिन्होंने मेरे नाल आके पहली बार किए ने। सो एक अचंभे की गल मेरे वास्ते भी, तो मैं संगतां नूं बेनती करांगा परिवारां समेत इत्थे पहुँचो ताकि अपने परिवारां नूं, अपने आने वाली जनरेशन नूं इस पंगाणी साहब का इतिहास याद रहे। जे असीं परिवारां नूं लियांगे तां ही साडे इतिहास नूं आंदे फ्यूचर तक असीं लैके जा सकते हैं, बच्चों नूं सोझी पा सकते हैं। बेनती प्रवान करनी, वीडियो शेयर कर ताकि असीं इस दसम पातशाह की धरती नाल जुड़े रह सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।